दादी माँ दा सारे बच्चियां नू बहुत बहुत प्यार। अज मैं तुहानू बच्चो एक होर नवी कहानी सुनाउन जा रही हां। ए कहानी एक बच्चे दी है जो के 15 कु साल दा सी ते उसदा नाम सी भोला। भोले नू स्कूलों छुट्टियां हुईयां ते उन्हें अपने मम्मी डैडी नू कहा कि ओह शिमला जाना चाहुंदा है ते ओह भी ओह हवाई जहाज विच बैठ के जाना चाहुंदा है। मम्मी डैडी मान गए ते सब जाने अपनी अपनी तैयारी करन लगे। जल्दी ही भोले ने अपने समान पैक कर लिया ते वो अज इन्ना कु खुश सी कि वो जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर रहा सी। भोले नु एक बीमारी सी जड़ी के उन्हों ऊंचाई ते जाके घबराहट हुंदी सी। उस लई उसनु डॉक्टर ने एक दवाई दित्ती हुई सी कि जदों भी वो किसी ऊंचाई ते सफर करे तां वो ये दवाई ले लिया करे। हुण उहदी मम्मी नु वो दवाई याद आई ते भोले नु कहा कि की पता उत्थे तेरी सेहत नु कोई फर्क पवे या ना पवे, तू ये दवाई नाल रख ले। उसने भोले ने अपनी मम्मी कोलो दवाई लेके समान विच नहीं रखी पर गलती नाल अपनी अलमारी विच ही रख दित्ती। अगले दिन सारी फैमिली हवाई जहाज शिमले दे सफर लई रवाना हो गई। भोले नू बैठिया अजे अद्धा कु घंटा ही होया सी कि उस नू उही प्रॉब्लम जो कि ऊंचाई ते जाके हुंदी सी वो शुरू हो गई। उस नू फेट्स मतलब दौरे पैने शुरू हो गए। किसे कोलो भी सांभिया नहीं सी जा रहा। एयर होस्टेस ने सारे जो यात्रियों नू माइक ते बोल के कहा कि जे कोई डॉक्टर इस प्लेन विच सफर कर रहा है तां वो अगे आ जाण अते भोले दी हेल्प करना। भोले दी किस्मत चंगी सी कि उसे प्लेन विच डॉक्टर बॉबी ते उन्हां दी पत्नी डॉक्टर कमल अपनी भैन दे बच्चियां नाल शिमले छुट्टियां कट्टन जा रहे सी। डॉक्टर बॉबी ते डॉक्टर कमल जल्दी नाल अपनी सीट तों उठ के एयर होस्टेस दे कोल गए ते पुछया कि असीं की हेल्प कर सकदे हां। एयर होस्टेस ने भोले नू दिखाया अते डॉक्टर ने भोले नू देखिया ते पुछया कि उसने दवाई कदों ली सी। भोले ने कहा कि उस तो बहुत वड्डी गलती हो गई है, वो तां अपनी दवाई घर ही भुल गया है। समान विच रखण दी जगह उसने अपनी दवाई अपनी अलमारी विच रख दित्ती। हुण डॉक्टर ते डॉक्टर कमल ने अपने एमरजेंसी किट विच देखिया ते उन्हां नूं इक दवाई उसदे लई लब गई। भोले नूं दवाई दित्ती गई ते वो थोड़ा बेहतर ठीक महसूस करन लगा। दोनों डॉक्टर ने अपना पूरा टाइम उसदे कोल बैठ के बिताया। जो जो भी वो कर सकते सी करते गए ते भोला एक नॉर्मल हालत विच हो गया। जदों प्लेन ने लैंड किया तां भोला खुशी खुशी बाहर आया। उसदे मम्मी डैडी ने डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद किया ते भोले ने भी डॉक्टरों का बहुत धन्यवाद किया। फिर सारे अपनी अपनी मंजिल लई एयरपोर्ट तो रवाना हो गए। सो बच्चियो अज दी कहानी विच तुसीं इह सिख्या है कि कोई भी चीज़ जो कि तुहाडी सेहत लई बहुत जरूरी है कदे भी ना भुलो, अपने नाल रखो। अज जे डॉक्टर उस प्लेन विच ना हुंदे तां भोले दा की हुंदा, सोचो। सो अपने चीज़ां दा ध्यान आप ही रख्या करो। ओके बच्चे, अज दी कहानी इत्थों तक ही। कल नूं फिर मिलांगे।